नमस्कार दोस्तों, मैं वरिंदर सिंह राणा आपकी सेवा में। दोस्तों आज 9 फरवरी दिन बुधवार 2022 को सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। दोस्तों मौसम का ऐसा है, दिल्ली में बरसात है, अब तो थोड़ा सा आसमान में मामूली सा साफ होया नहीं, रात की यहाँ बरसात चली है, इसके कारण सब्जियों के रेटों में काफ़ी गिरावट आ गई। तो अब आलू मंडी में पहुंचा, जानते हैं आलू मंडी का आज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गड़ियाँ आई और क्या कुछ पोजीशन है, जान लेंगे भाई साहब से आज की क्या कुछ रिपोर्ट। सर जी नमस्कार जी, सर जी आज का अपडेट करो, मंडी में कितनी गाड़ियाँ जी, क्या पोजीशन? 108 गाड़ी है जी मंडी में जी। अच्छा जी, जिसमें समझो करीबन 20 गाड़ी कल की है। हाँ जी, और बाकी ताजी है। हाँ जी, और 75 गाड़ी के करीब संभल की है। अच्छा जी, तो संभल का ही आलू ज़्यादा आ रहा है, मंडी संभल ही ज़्यादा कवर कर रही है। अच्छा, संभल के आलू का आज भाव है 450 कल से मार्केट कैसी है? कल से मार्केट 1 रुपए किलो तेज है। 1 रुपए किलो यानी 50 रुपए बैग लगा लो। 50 रुपए का तेजी है, उसका कारण ये है कि सब जगह बारिश है। अच्छा जी, यूपी में बारिश है, आगरा साइड बारिश है, अलीगढ़ बारिश है। अच्छा, और आज की बारिश बताई गई है, रात को तो कम पड़ी है, सुबह बारिश ज्यादा है। हाँ जी, अभी जलेसर बात हुई है, जलेसर में बारिश काफी पड़ रही है। अच्छा, वहाँ तो इतनी घनघोर घटा है पूछो मत ना। अच्छा जी, और संभल भी हल्की हल्की बारिश हो रही कोई है। पंजाब की खबर आई हो कुछ? पंजाब तो बात नहीं हुई, पर बाकी इस यूपी की बारिश से ये है कि नुकसान हो जाएगा आलू। हो जाएगा जी, 100-100 दिन के आलू हो गए। हाँ जी, 110 दिन के, 105 दिन के, 100 दिन के आलू हैं। हाँ जी, आलू पक चुका है। अच्छा, अब इसके ऊपर बारिश पड़ेगी तो नुकसान के सिवाय कुछ नहीं। अच्छा जी, आलू कोई ना कोई रंग दिखा सकता है। अच्छा जी, क्योंकि पंजाब में नुकसान हो चुका है। हाँ जी, यूपी की फसल बची हुई थी। हाँ जी, और यूपी में भी अगर बारिश से नुकसान हो गया। हाँ जी, तो फिर जो है दिक्कत आ जाएगी। अच्छा जी, स्टोरों की में आलू कम जाएगा। अच्छा जी, कोई ना कोई आलू का तब्दीली आ सकती है, कुछ भी हो सकता है परिवर्तन। कुछ भी हो सकता है, सब्जी का काम है ये, कुछ भी हो सकता है। कच्चा माल है जी, कच्चा शॉर्टेज का कोई भाव नहीं होता इसमें। अच्छा जी, अच्छा, तो इसलिए जो है परमात्मा करे धूप निकल जाए। हाँ जी, हाँ जी, और अपना जो है आलू ठीक ठाक स्टोरों में पहुँच जाए किसानों का। हाँ जी, ये 450 रुपए का बिक रहा है जी, ये वाला जी। हाँ जी, हाँ जी, संभल है जी, संभल है जी, संभल है जी। अच्छा, और वो ये थोड़ा सा रंग इसका हल्का है, ओवर साइज नहीं निकाला है, 420-425 रुपए का। 420-425 रुपए जी, जी जी। और अपना इसकी पंजाब की तो कोई गाड़ी नहीं आ रही? पंजाब की कोई गाड़ी नहीं आ रही, बाकी कोरावली साइड आ रही है थोड़ी बहुत। अच्छा जी, वो बिक रहा है 370-380-400। अच्छा, और ये जो मध्य प्रदेश का आ रहा जी है, ये लाल आ रहा है जी वहाँ का ज्यादातर। हाँ जी, लाल बिक रहा है 450-500 जैसा पास हो जाए। जब कभी तो दिल्ली में शॉर्टेज होती है जी, जी, तो जैसे पंजाब का आलू आता है, उत्तर प्रदेश का आलू आता है, इसके अलावा और कहाँ का आलू है जो कोटा पूरा कर सकता है यहाँ का? शॉर्टेज में तो कहीं का भी आ जाता है जी, गुजरात कहाँ कहाँ का आता है। गुजरात का आलू आया था, गुजरात का पीछे पहले कभी? अभी नहीं जी, पिछले साल भी आया था, अब भी आया था, 2 साल से लगातार गुजरात का संटाना आलू आ रहा है। अच्छा जी, तो दिल्ली में कहीं ना कहीं से आ जाएगा, एमपी है, सब आसपास एरिया लगते हुए। सब्जी का क्या है जी, पड़ता आना चाहिए, कहीं से भी आ जाएगा। अच्छा जी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी आलू आ जाता है। अच्छा, आ जाता है नहीं यहाँ पर? आ जाता है, मंगा लेते हैं, रेट मिलना चाहिए व्यापारियों के, 10-20 रुपए कट्टा मिल जाए, कहीं से कहीं चला जाएगा। हाँ जी, हाँ ये भी बात है जी। हाँ, इसमें कोई बात खास बात। अच्छा जी, अच्छा, कलकत्ते से सब्जी आ जाती है, बाद में मंडी तो क्लियर हो जाएगी जी आज ये? हाँ, आज बेचेंगे नहीं जी। हाँ जी, लोग बाग जो है बारिश है, कल आमदनी कम होगी, मैं समझता हूँ 50-60 गाड़ी बेचेंगे, बाकी खड़ी कर लेंगे। अच्छा, रोक के बैठेंगे जी? हाँ, व्यापारी चांस लेगा जी, व्यापारी तो दाव लगाता है जी। हाँ जी, हाँ जी, कल आमदनी कम होगी, आज बारिश है, आलू खुदेगा नहीं। अच्छा जी, इसलिए कुछ बेचेंगे, कुछ रोक लेंगे। अच्छा जी, कई बार उल्टा मंदा हो जाता है, कई बार तेजी भी आ जाती है। हाँ जी, अब अगर अरेवल ज्यादा होगी तो मंदा हो जाएगा। अच्छा, बाकी अरेवल ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सब जगह बारिश है। अच्छा जी, जिसका पहले कोई खुदा पड़ा होगा 10-20 गाड़ी आ जाएगी। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। सर जी, अपनी दुकान का एड्रेस? आलू कंपनी, A291 सब्जी मंडी, जादपुर। मोबाइल नंबर 9810053673। अच्छा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जी। दोस्तों बात कर लेते हैं भाई साहब के पास, जानते हैं इनके पास भी आज का आलू का क्या कुछ बाजार रहा, कहाँ वाला ये लाल आलू। ये सिर्फ लाल ही आलू बेचते हैं, बेचते तो हैं सफ़ेद आलू भी, पर लाल आलू के स्पेशलिस्ट है। जान लेंगे आज का मंडी का क्या कुछ बाजार रहा। और दोस्तों जो भी मैं रेट बता रहे ना आड़ती है, ये 50 किलो के रेट है। हाँ, यहाँ जो रेट चलता है आलू का, 50 किलो का रेट चलता है। सर जी नमस्कार जी, सर जी आज का क्या कुछ रहा जी लाल आलू का, ये बताओ जो कल परसों की पोजीशन थी और आज की क्या कुछ है डिफरेंस इसमें? पोजीशन तो सेम है, ज़्यादा ऊंचा बाजार नहीं है। अच्छा, लेकिन जो वेफर पास आलू है
जिसकी शुगर पास है, हाँ जी, उसकी पोजीशन 13-13.5 रुपए है। 1350 रुपए किलो। 13 रुपए किलो जी। हाँ, 13-13.5 रुपए किलो। अच्छा जी, कहाँ वाला जी है ये? इंदौर का। अच्छा जी, और पंजाब का आलू की पोजीशन पास नहीं है, पंजाब उसकी पोजीशन है 10-11 रुपए किलो। उसकी 10-11। और जो इंदौर है उसमें भी शुगर है, उसकी पोजीशन भी 11-12 रुपए किलो है। अच्छा जी, पास आलू की डिमांड ज्यादा है। जैसे आज सफेद आलू में 50 रुपए का फर्क देखने को मिला है बोरी में, ऐसे लाल में नहीं है ऐसा तेज कोई। अच्छा जी, लेकिन लाल स्टोर की परचेसिंग चालू होने से, हाँ जी, खेतों में थोड़ी तेजी है। खेतों में पीछे जी, पीछे तेजी है। अच्छा, अब लोडिंग ज्यादा पीछे से आएगी नहीं। अच्छा, तो जी, तब जाके 2-4 दिन में बाजार सुधरेगा। तो सर जी, शुगर के कारण इसमें मान लो जो थोड़ी शुगर ज्यादा है और वो चिप्स वाले ले जाते हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ जाएगा जी? वो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वो थोड़ा लाल और सफेद में नखरे करते हैं लेने में। अच्छा जी, उनको वाइट चाहिए बस, ऐसे ही है, थोड़ा हल्की सी लाली जाए तो ड्रामा करते हैं लेने में। अच्छा जी, अंदर से। हाँ, चाहे उसका फ्राई होता है ना आलू का, हाँ जी, तो उसमें जो पत्ती होती है वो सफेद और लाल होती है जैसे। अच्छा जी, तो उसमें थोड़ा जिसमें शुगर ज्यादा होगी, एक मिनट दिखाता हूँ। अच्छा जी, आप बताओ जी इसमें क्या डिफरेंस होता है जी? जैसे ये वाइट पन पे आलू है, इसमें हल्की हल्की लाली है ये। हाँ जी, इसको भी वो नहीं लेते हैं चिप्स वाले। अच्छा जी, लोकल वाले चला लेते हैं कभी कभी। अच्छा जी, इसमें ज्यादा लाली आती है ना, हाँ जी, ये रिजेक्ट कर देते हैं इसको, कहते हैं शुगर ज्यादा है। अच्छा जी, अच्छा, जिसकी वाइट पत्ती होगी ना बिल्कुल, हाँ जी, वाइट वेफर में पास है। अच्छा जी, अच्छा, इन सब में थोड़ी बहुत शुगर आ रही है, हाँ जी, कारण मौसम का भी है ये भी। ये भी यानी जिसमें जितनी शुगर कम होगी वो उतना ही अच्छा रेट देगा। अच्छा रेट भी, और ये वाइट रंग का चिप्स आएगा उसका, जिसमें थोड़ी सी भी उसकी लाली आ जाएगी तो रेट तो कम हो जाएगा। टिक्की समोसे में या खाने में या भुजे लच्छे। अच्छा, मुझे नहीं, मैं तो सोच रहा था कि इसको वैसे शुगर भी शुगर वाले खाते होंगे, ये कारण है जिसका। शुगर वाला लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, एलआर में जो वाइट आलू होता है ना उसकी में शुगर ही नहीं होती। अच्छा जी, बाकी सब में होती है शुगर। अच्छा जी, कहने को लोग कहते हैं शुगर फ्री, शुगर फ्री। अच्छा जी, हाँ, अच्छा जी, स्टोर में जो आलू जितना आलू आता है ना, हाँ जी, सब में शुगर होती है टोटली। अच्छा जी, जो गुजरात का आलू क्यों महंगा बिकता है, हाँ जी, क्योंकि व्हाइट बगैर शुगर के होता है। अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनियां सारा शुगर फ्री लेती है। अच्छा, वही आलू होता है शुगर फ्री? पेप्सी जितने बड़े बड़े, जो एक बार आलू स्टोर में रखा गया ठंड में, उसमें तो ऑटोमेटिक शुगर बढ़ जाएगी जी। बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ केमिकल डाल के उसको वो रखा जाता है ना, उसका संभाल करी जाती है। अच्छा जी, अच्छा, उसमें दवाई छिड़की जाती है। अच्छा जी, दो तीन दो बार भी होती है, हाँ जी, हाईटेक स्टोर है उनमें 3 बार होती है। अच्छा, गुजरात में। अच्छा जी, तभी तो वहाँ के रिजल्ट अच्छे आते हैं, तभी उसको सितंबर अक्टूबर में फिर वो महंगा बिकता है, तभी डिमांड रहती है जी उसकी। अच्छा जी, बस इसका तो मुझे आज ही पता चला, अभी जितनी ज्यादा शुगर होगी उतना तो उतना वो लाल आएगा। हाँ, लाल के कारण फिर जो कस्टमर है वो नहीं लेता, रिजेक्ट लेने के नहीं, ये लालपन आ जाएगा। हाँ, यानी आलू में जितना सफेद होगा वो पास है, वो उतना ही बाजार में बढ़िया बिकेगा। बढ़िया। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तो नई चीज की जानकारी मिली जी आज की। और यहाँ मंडी में ना जैसे फोन आते हैं फरकाबाद साइड के, यहाँ पे सिंदूरी, हाँ जी, लाल और वो लॉकर लाल नहीं बिकता, यहाँ सिर्फ LR, हाँ जी, शायद हॉलैंड वाला लंबा आलू वो बिकता है। अच्छा जी, अच्छा, वो भी स्टोर के टाइम पर, इस टाइम तो लाल की ही डिमांड होती है। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद सर जी, अपनी दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जी? 311, हाँ जी, न्यू सब्जी मंडी जातपुर, और चौधरी बुल्लन सिंह एंड सन्स, हाँ जी, और 9811506002। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी, सिलेंडर की फोटो दे दो। दोस्तों, ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ऊपर के दोनों आपके हैं जी? हाँ। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए आपका।